हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक न्यू वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, न्यू ट्रांजेक्शन वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनबस्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो मैंने रॉन्ग साइड शूट किया था, सबसे पहले इसे हम रोटेट कर लेते हैं। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और आपको देखना है यहाँ पर वीडियो आपने शूट स्टार्ट कहाँ से किए हैं। तो सिंपल एक शॉर्ट या टी शर्ट अपने हाथ में ले लेना है और कुछ इस तरह से आपको फेंकना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो हमारा फर्स्ट क्लिप का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। तो सिंपल मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। सिंपल अपने हाथ में शॉर्ट या टी शर्ट लेना है और कुछ इस तरह से पीछे की तरफ आपको फेंक देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लिप का वीडियो शूट हो चुका है। सेकेंड क्लिप का वीडियो आपको कैसे शूट करना है, वही जो शर्ट या टी शर्ट आपने पहने थे वो फेंके थे सॉरी, वही आपको पहन लेना है। पहन लेने के बाद आपको ध्यान रखना है जहाँ पर शॉर्ट या टी शर्ट गिरा था वहीं पे आपको खड़ा हो जाना है और कुछ इस तरह से आपको सेकेंड वीडियो शूट कर लेना है और आगे की तरफ आपको चले आ जाना है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड पार्ट का भी वीडियो शूट कर लिया हूँ। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। इसके बाद जैसे कि हम फेंकते हैं फर्स्ट क्लिप, अब जैसे इस पोजिशन में आता है, ध्यान रखना नीचे नहीं गिरना चाहिए। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 पे हिट कर देंगे। वीडियो को एगेन आगे की तरफ प्ले कराना है और जहाँ से हम शॉर्ट पहनने की एक्टिंग करते हैं, ठीक है, इसके बाद वहाँ से हमारा वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक्टिंग किया हूँ, जैसे कि मेरे जो शॉर्ट पहना हुआ मैंने पहन लिया। इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। अब वीडियो में प्ले करता हूँ, देख सकते हैं अब जैसे मैंने पहना फेंका और पहन लिया, कुछ इस तरह से हमारा वीडियो अब तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से एक्टिंग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है राइट साइड का उसे हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इस वीडियो को आपको स्लो मोशन करना चाह रहे थे स्लो मो में भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट कुछ हम नॉर्मल रहने देता हूँ तो इसे हम स्पीड 2 प्ले हिट करते हैं। इसके बाद इस वीडियो को स्लो मोशन करना चाह रहे थे स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। तब फाइनली ये वीडियो जो आपका है कुछ इस तरह से स्लो मो में देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये फेंके शॉर्ट हमने पहन लिया, ठीक है। पहनने के बाद इस पोजिशन में आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। आपका जो ऊपर स्काई जो दिख रहा है बादल, उसका कलर हमें चेंज करना है। इसके लिए मैं गूगल से एक स्काई डाउनलोड किया हूँ, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से जूम करना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओवरले हो गया, मल्टीपल प्ले हो गया, स्क्रीन हो गया, अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। इसके बाद ओपेसिटी के कुछ इस तरह से हल्का कम कर देना। इसके बाद इस स्काई वाले लेयर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज में कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपको कुछ हुआ, जैसे ही किए, कुछ इस तरह से आपको स्काई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बिजली इफेक्ट देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से जूम करना है। इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। लास्ट पॉइंट पर आना है और इस लास्ट में भी कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को भी ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इसे इनेबल कर देना है और आपको सही से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद डन कर दें। इसके बाद इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, और इसके बाद यहाँ पे ओवरले हो गया, मल्टीप्ले हो गया, तो ओवरले पर सेलेक्ट कर लेना है। अब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा वीडियो तो यहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इमेज का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको इस फ्लाइट का इमेज का होगा पीएनजी में, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको एडजस्ट करना है। लेयर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और इस इमेज को हमें यहाँ तक रखना है जहाँ तक आपको बिजली इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट करते हैं। हमारा वीडियो यहाँ पे 12 सेकेंड के आसपास तैयार हो चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करते हैं। इसके बाद
फोटो पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, आपको जूम करना है इसे, इमेज पे क्लिक करेंगे इसे जूम करना है कुछ इस तरह से, और लास्ट में कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। और आपको यहाँ पे सॉरी बैक करना होगा इसे, इस पर क्लिक करेंगे, की पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से प्रेस करने के बाद आपको लास्ट पॉइंट में आ जाना है यहाँ पे, और इसे आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। देखना आप अब वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को हो जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, इस ट्रैक्ट आइडियो कर देना। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे वीडियो को डिलीट कर देना है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा स्लो हो जाता है, स्लो नहीं होगा। शेयर पे क्लिक करेंगे और HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो का साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।